आज की वीडियो में बात करते हैं कि कौन सी चक्रा से मेनली नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश करती है, मतलब कि जो अटैक्स होते हैं हमारे ऊपर, जो नेगेटिव एनर्जी अटैक्स होते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, किसी भी तरीके की स्पेल हो, कोई भी चीज़ हो जो नेगेटिव है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है, तो वो जो एनर्जी है वो जिस चक्रा से मेनली एंटर करती है वो चक्रा आपकी बॉडी की सबसे लोअर चक्रा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोअर डायमेंशन की एनर्जी ही ये सारे तंत्रा, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, स्पेल, ये सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ों को आपके बॉडी में एंटर करने में मदद करती है। तो आप जब अपनी रूट चक्रा के ऊपर, रूट चक्रा हीलिंग के ऊपर आप जब ध्यान दोगे और आपकी रूट चक्रा की जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगी, तब जाके आप लोगों के लाइफ में से ये नेगेटिव एनर्जी का गेम भी ख़त्म हो जाएगा। अगर अटैक्स होता भी है वो मतलब टिक नहीं पाएगा ज़्यादा समय तक, मतलब वो वर्क नहीं कर पाएगा। जितना ज़्यादा आपका ये चक्रा, रूट चक्रा पावरफुल होता जाएगा, जितना ज़्यादा उससे ब्लॉकेजेस हटती जाएगी, उतना ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आपको कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके की ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, विचक्राफ्ट क्यों ना हो, कुछ भी हो, निगेटिव अटैक्स कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन जितना ज़्यादा आपका रूट चक्रा बैलेंस होता जाएगा, आपकी शक्ति एनर्जी वहाँ पे राइज हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी की शक्ति की एनर्जी से ही वो सारी नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। इवन नेगेटिव पीपल भी जो आपके चारों तरफ है, आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से हट जाएंगे। बाहर से वो लोग जो भी कहे करे, लेकिन अगर आप कनेक्टेड हो तो फिर कनेक्टेड थे तो फिर आपका ये चक्रा जब ओपन होता है, एनर्जी, शक्ति एनर्जी राइज होती है, तब ये सारे लोग ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से दूर होना शुरू कर देते हैं। जितना आपकी एनर्जी इस जर्नी में राइज होती है, मतलब कि आप लोगों की कुंडलिनी शक्ति, उतना ही ज़्यादा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में रहते हैं, निगेटिव इमोशंस को कैरी करते हैं, निगेटिव थिंकिंग को कैरी करते हैं, ऐसे लोगों से आपका कट ऑफ होता जाएगा, उनके साथ आपका माइंडसेट नहीं मिलेगा और एक डिस्टेंस उनके साथ आपका क्रिएट हो जाएगा और पूरी तरीके से एक समय में वो लोग आपके लाइफ में चले भी जाएंगे, अगर उन लोगों की एनर्जी हाई नहीं हुई तो, आप अगर आपकी शक्ति को रूट चक्रा में राइज कर लिए तो। तो रूट चक्रा किसके साथ डील करता है, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि रूट चक्रा जो है वो आपका फियर इशू के साथ डील करता है। फियर इशू ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो इशू है इसका हील होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक इशू है, फियर इशू, जो आपको बांध के रखता है, आपको नेगेटिविटी में बांध के रखता है, नेगेटिविटी में आपको ट्रैप करके रखता है। तो इसलिए फियर से आप लोगों को राइज करना है, फियर से ऊपर उठना है आप लोगों को। जब आप लोग फियर से ऊपर उठ जाओगे, आपकी रूट चक्रा की एनर्जी, जो शक्ति की एनर्जी है जो सोई हुई है, उसे जब आप जगा दोगे और वो जब सैक्रल चक्रा के तरफ मूव करेगा ना, तब जाके आप लोगों को ये नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत परेशान रहते हैं लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, लेकिन जब आपका
रूट चक्रा से एनर्जी उठ के सैक्रल चक्रा में आ जाएगा, तब ये निगेटिविटी कुछ नहीं कर पाएगी, सैक्रल चक्रा से सोलर प्लेक्सस में आएगा और कुछ नहीं कर पाएगी। तो जितना ज़्यादा आपके भीतर फियरलेस की एनर्जी आएगी, लायन की एनर्जी आएगी, उतना ही ज़्यादा आप लोग ये सारे निगेटिव इशू को ऑटोमेटिकली हील करके राइज कर पाओगे। सैक्रल चक्रा में जब आपकी एनर्जी सैक्रल चक्रा से उठ के आपकी एनर्जी जब सोलर प्लेक्सस में आएगी, तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ जाओगे। तो उस वक्त और ज़्यादा ये सारी एनर्जी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। ये सारी एनर्जी लोअर डायमेंशन की एनर्जी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। आप लोग तभी इन एनर्जी को हरा सकते हो, चाहे एनर्जी हो चाहे लोग हो, लोग ही एनर्जी को कैरी करते हैं। तो तभी आप लोग उनको हरा सकते हो जब आपकी एनर्जी लोअर चक्रा से ऊपर राइज हो जाएगी, जब आप फियर की एनर्जी से निकल जाओगे। अभी आप बोलोगे कि फियर को कैसे हील करना है, फियर नहीं करना है, किसी भी चीज़ में फियर में नहीं आना है आप लोगों को। हमेशा एफर्मेशन आप लोग देते रहिए, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, मेंटली मन ही मन में हमेशा ये एफर्मेशन देते रहिए। ये फियर की एनर्जी आप लोगों की फर्स्ट स्टेज है, जैसे कि होता है ना कि आप लोग क्लास वन में, तो ये फियर की एनर्जी वो क्लास वन की एनर्जी है। तो यहाँ से ही आप लोगों को ऊपर उठना है, फियर को ख़त्म करना है। तो माइंड प्रोग्रामिंग करके आप लोग इस फियर को आप लोग ख़त्म कीजिए, तो तभी जाके कोई भी चीज़ हो, कोई भी एनर्जी अटक हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब भूत प्रेत पिशाच, ये सब ब्लैक मैजिक, ये सब स्पेल, ये सब कुछ लोअर डायमेंशन की एनर्जी है, और आपकी एनर्जी हायर डायमेंशन की तरफ राइज करेगी, मतलब वो लोग आप लोगों को और छू नहीं पाएंगे। तो यही है, जब आप लोग स्पिरिचुअल वेकनिंग के जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, तब आप लोग हायर डायमेंशन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, और तभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो पाओगे कि कोई भी चीज़ आए आप लोग इसको ओवरकम कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।